गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए लूज टॉक में मोइन अख्तर एज पठान का रिएक्शन। एंड मोइन अख्तर जी जो है वो हमारे फेवरेट बन चुके हैं, अभी हम रिसेंटली जितनी उनकी वीडियो देख रहे हैं बहुत ही कमाल की लग रही है। एंड साथ में पठान भी हमारे फेवरेट है बिकॉज उनकी जितनी हमने वीडियो देखी वो भी बहुत कमाल के, लाइक उनका हमने इंटरव्यू देखा हो किसी पठान का, फिर उनका हमने डांस देखा हो, सॉन्ग सुना हो, तो सबके सब कमाल का, एक बहुत ही डिफरेंट कल्चर से मिलने को मिलता है। एंड साथ में मोइन अख्तर उनका रोल निभा रहे हैं तो वो कैसे निभाएंगे वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग होगी। बिकॉज पठान लोग जो होते हैं थोड़े से कह सकते हैं ना वेलकमिंग भी बहुत होते हैं लेकिन थोड़ा टेठ मतलब ठेठ में रहते हैं, थोड़ा एक ना ईगो एरोगेंस के साथ है, वो अच्छी एरोगेंस का काइंड ऑफ कह सकते हैं। सो देखते हैं फिर ये वीडियो कैसी होगी। और अभी तक हमने जितनी वीडियोस देखी है हम लोगों को पठान तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो उनका एक्सेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि बेसिकली जो मोइन अख्तर है वो क्या जैसे एक्सेंट होता है प्रॉपर पठान का, क्या वो निकाल पाएंगे और इस वीडियो में क्या करेंगे। लाइक उनकी जैसे कि हम सभी जानते हैं मोइन अख्तर कितने अच्छे बेसिकली एक्टर है, वो मतलब अभी तक उनकी कितनी हमने सारी वीडियोस देखी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या वो पठान का करेक्टर एक अच्छे से निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लायक हो फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। कुछ कहने से पहले बेहतर होगा कि मैं अपने मेहमान से आपका तारुफ करवा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। कैसे हैं आप? बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म आना चाहिए तुमको, डूब मरना चाहिए। कैसा मुसलमान है, ना सलाम न दुआ, डेरे पूछते हैं कैसे। मुसलमान का पहला फर्ज क्या है, जब दूसरा मुसलमान से मिलता है देखता है क्या पहला उसका फर्ज है उसको बोलो सलाम अलैकुम, उसका बाद में आगे बकबक करो। उसके बाद में हाँ ऐसा बोलो, अभी लगा ना कि किसी मुसलमान से बात करता है वालेकुम सलाम, खैर दे जोड़े तगड़े खुशहाल, वो मेरा गुस्सा था, ये मेरा प्यार है। दानवर मकसूद है, वही 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 पहचान लिया मैं। आप सवात में रहते थे? रहता नहीं था सवात में, सवात में रहता था, तो तेरे को क्या परेशानी आ गई? यू ही पूछा था मैंने। नहीं तो ऐसा क्यों पूछता है, जब तेरे को मालूम है कि मैं उधर का है तो फिर इतना बेचैन के सवाल करने का क्या जरूरत है। चिलगोजे क्या कहा आपने? चिलगोजे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, क्या मतलब चिलगोजे? हाँ तो तेरे को तो मैं काजू तो बोल नहीं सकता, चिल गोजा ही बोलेगा ना, वो भी चिला हुआ, देखो तुम्हारा ऊपर का हिस्सा तो चिला हुआ है। आप मेरे मेहमान हैं। देखो एक बात तुम ये बताओ, अपना ईमान से बताना तुम मेरे को, ठीक है? तुमने बोला है कि आप मेरे मेहमान हैं, एक दफ़ा तुम मेरा मेहमान नवाजी में आओ फिर तुमको पता चलेगा मेहमान नवाजी क्या होता है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी बात करने से पहले ये जरूर मेरे को बताओ कि तेरे पे कभी ड्रोन हमला हुआ है? ड्रोन हमला? सोचो सोचो, सोच के बताओ तेरे पे कभी ड्रोन हमला हुआ है? असर जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ आप उसका जवाब दें। अच्छा आप सवाल से कब तशरीफ लाए हैं? आप सवाल से कब तशरीफ लाए? तशरीफ नहीं लाया, उधर से आ जाते हैं। आ जाता है। अगर तुम उम्र में मेरे से छोटा होता तो मैं तेरे को बताता, फिर तेरे को पता चलता कि क्या बात है। सवात के हालात से लोग परेशान हैं मगर सवात हमेशा सवात रहेगा। आपको पता है मैं शादी के बाद हनीमून पर सवात गया था। किधर गया था? सवात गया था हनीमून। हनीमून भी अभी तुम जाओ हनीमून मनाने सवात जाओ, तेरा तुर्बत के ऊपर मेरा मामू फूल चढ़ाएगा और तेरा हनी का तुर्बत के ऊपर मेरा मुमानी फूल चढ़ाएगा। जाओ। क्यों? आपका ताल्लुक सवात से है? मेरा जितना भी ताल्लुक बना खुदाया सब सवात से बना। नहीं, मेरा मतलब था कि आप रहने वाले सवात के हैं। हाँ मैं रहने वाला तो सवात का है और मैं पैदा भी उधर ही हुआ था, लेकिन एक बात ये है कि मेरे को पैदा होना चाहिए था मलाखंड में। क्यों? क्यों? मेरा माँ मलाखंड का था, मेरा बाप मलाखंड का था, फिर मैं सवात में कैसा पैदा हुआ ये आज तक बात मेरा दिमाग में आता नहीं है। क्या बात है, ना मैंने किसी से पूछा है ना किसी ने मेरे को बताया है, तुम मेरे को बताए तो तुम मेरे को बताओ। आप मलाखंड से सवात, आपके वालदैन बल्कि मलाखंड से सवात आ गए? हाँ आप पैदा हो। ये बात ठीक है, ऐसे ही होता है, मेरा ख्याल है ऐसे ऐसी था।
आपके वालिद क्या करते? अभी क्लियर हो गया मेरा। आपके वालिद क्या करते? मेरा वालिद साहब जो है, अल्लाह उनको खुश रखे, उनका उम्र दराज करे। मेरा वालिद साहब मेरे को पैदा करने के बाद मेरे छोटे छोटे भाई बहन को पैदा करने में लगा हुआ। काम क्या करते? ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम खुद बहुत। सही में कितने भाई बहन? अभी जितना मेरे को गिनती आता है उससे मेरा ख्याल है 4-5 ज्यादा होगा। आप खुद सवात में क्या करते? मैं सवात में मेरा जो था 4 डीवीडी का दुकान था, एक पिक्चर सिनेमा था मेरा, और एक होटल था। सही है मीरा ने? होटल का नाम था मददगार। मददगार लोग आता था, मतलब पुलिस वाला आता था, और 4-4, 5-5 पुलिस वाला जो था वो आता था होटल में आपके। हाँ क्यों? अपना डीएसपी को लेने के लिए आता था। आपका शुमार तो सवात के मोतबर लोगों में होता होगा। हाँ आपका शुमार तो सवात के मोतबर लोगों में होता होगा। सही है। ये बात तुम छोड़ो छोड़ो, तुम मेरे को ये बताओ कि ये बम किसने इजाद किया? बम वो डॉक्टर कदीर? नहीं, हम वो वाला बम का बात करते हैं जिससे नुकसान होते हैं। नुकसान ये बम जो है ये किस कोठी का पुत्र नहीं जाता। आपको पंजाबी आती? नहीं आती तो ये हमको महीनों तक नहीं आती, मगर जब गुस्सा आता है तो अक्सर याद टाइगर श्रॉफ का डायलॉग ऐसा था। तो इस बम से क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान हुआ? तुम कैसे बात करते हैं? मेरा 4 डीवीडी का दुकान में बम, मेरा पिक्चर हाउस के अंदर में बम, मेरा होटल में बम, खुदाया। 4 डीवीडी की दुकानें, एक पिक्चर हाउस, एक होटल, आपकी आमदनी तो बहुत होती है। हाँ बहुत आमदनी होता था 4 डीवीडी का दुकान से और पिक्चर हाउस से, मेरा बहुत आमदनी होता था। होटल मेरा नुकसान में जाता। अच्छा, नुकसान। वो बात यह है कि हमारा पाकिस्तानी पुलिस वालों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि इधर आता था और 1-2 घंटे के लिए मेरा होटल मांगता था, लेकिन फिर 10-15 मिनट में खाली करके चला जाता था। क्यों? क्यों? वो मेरा ख्याल ये है कि प्रेस का डर से। प्रेस के डर से? हाँ, मेरा मतलब है चापे का डर से, गलती से मुँह से प्रेस निकल गया। फिल्म, म्यूजिक, होटल, ये सब कुछ आपको विरासत में मिला? विरासतुल्लाह खान से ज़्यादा खबीस आदमी तुमको पूरा अमेरिका में नहीं मिलेगा, मेरा सुसर है। नहीं, विरासत का मतलब है कि बाप दादा भी यही काम करते थे। देखो मेरा वालिद साहब जो है, अल्लाह खुदा उनको खुश रखे, उनका जिंदगानी दराज करे, मेरा वालिद साहब जो है वो 24 घंटा इधर पलंग के ऊपर भी लेटर है, ठीक है? जब भी उठता है तो यूट्यूब देखते है। यूट्यूब देखते है। दादा का मैं मालूम क्या, लेकिन दादा का खास पता नहीं लगा कि दादा क्या चीज देखता था, लेकिन एक बात मैंने बड़ा उधर अपने इलाके में सुना दादा के बारे में, कि दादा के बारे में जो है वो अंग्रेज लोग उसको जब देखता था मेरे दादा को बोलते थे गॉड सेव मी और भागता। आप सवाल से कराची क्यों आ गए? आप सवाद से कराची क्यों आए? क्या बोला तुमने? सवाल क्या किया? सवाद से कराची क्यों आ गए? बात यह है कि हम जो बिजनेस करता था वो बिजनेस जो है वो बहुत मुख्तलिफ था, अभी जो वहाँ निज़ाम अदल आ गया है उससे बहुत मुख्तलिफ था। तो निज़ाम अदल आने से सवाद में तो सुकून आ गया है? पता नहीं, हम तो कराची आ गया, हमको नहीं पता उधर क्या। हाँ। साहब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कराची तो आ गए। हाँ अब मुझे ये बताएं कराची में क्या करेंगे आप? कराची में क्या करेगा? कराची में जो मेरा अपना ख्याल है बिजनेस करने का ख्याल है वो ये कि मैं साइड पे पिक्चर हाउस खरीदेगा। अच्छा। एक और एक डीवीडी का दुकान खोलेगा और कैंट स्टेशन के ऊपर एक होटल लेगा, चारपाई होटल। तो आप खुद को बदलना नहीं चाहते? अभी देखो मुसलमान है लेकिन इस उम्र में पक्का मुसलमान कैसे बन सकता है? इंसान को तो शुरू से पक्का मुसलमान होना चाहिए। बच्चे हैं आपके? 8। 8 माशाल्लाह। वो डीवीडी का कॉपी बनाता है, दर्द डीवीडी का कॉपी बनाता है। एक जो है वो सबके साथ बैठ के देखने वाला, एक जो है वो अकेले में देखने वाला। अच्छा। तुमको कौन सा पसंद है, सबके साथ बैठ के देखने वाला या अकेले में देखने वाला? क्या पसंद है बताओ। नहीं मुझे नहीं पसंद। हाँ मैं नहीं देखता। हाँ झूठा है, झूठ बोलते है, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलगोजा, तुम झूठ चिलगोजा तुम झूठ बोलते है। तुम देखो प्रोग्राम के बाद में तुम मेरे से मांगेगा।
अकेले वाली आप सिर्फ अपनी बात करें, ठीक है। सियासत से दिलचस्पी है आप? नहीं नहीं खुदा यार, सियासत ने तो बेड़ा गर्क किया है, सियासत में सियासत का ज़रूरत नहीं है, सियासत में दिलचस्पी भी नहीं है। दो चार सियासतदान वाला है मेरा दोस्त है, वो उधर आता था जब मेरा होटल था उधर वहाँ पर सवात में, तो आता तो था। कितनी देर के लिए आते थे? आता था वो लोग तो रुकता था, लंबा टाइम रुकता था। तो क्या करते थे? बड़ा मुश्किल से वापस जाता था वो लोग। हाँ साहब, अगर हम देखें आजकल के हालात, तो सदर साहब जापान गए हुए, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो दूसरे मुल्क हैं वो पाकिस्तान की इमदाद करना चाह रहे हैं, अगर ये पैसे मिल गए जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए तो मुमकिन है कि हमारे हालात सही हो जाए। फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान किधर है? ये जो दूसरे ममालिक बाहर है, दूसरे ये मुल्क। दूसरे ममालिक का क्यों बात करता है? तुम अपने मुल्क का बात करो, पाकिस्तान के अंदर कितने लोग है जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है? ओ नाइस क्वेश्चन, क्यों लग गया तुमको मुंह में? 16 करोड़ लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं। क्या बोला? 16 करोड़ लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं। 16 करोड़ पाकिस्तान में न घी है न शक्कर है, अगर होता तो मैं बोलता तेरा मुंह में घी शक्कर, ऐसा बैठ के बकबक करने का कोई फायदा नहीं है कि 16 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान के दोस्त हैं। झूठ मत बोलो, आपको पाकिस्तान से बात करो, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? मेरे को एक से मोहब्बत हुआ जो उससे मैंने शादी बनाया। क्या बात है? नहीं नहीं, और 8 बच्चे बनाया। क्या आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? अच्छा ये सवाल किया मेरे को पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये सवाल किया जी? मेरे को पाकिस्तान से जितना मोहब्बत है इतना तो किसी को भी नहीं हो सकता। मैं दिन में 10 मरतबा बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है? आप दिन भर में 10 मरतबा क्यों बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद? हम एक इंडिया का फिल्म का DVD मंगाता है, उसका 500 कापी बनाता है, तो कटाकट ऐसा ऐसा बिक जाता है तो ऑटोमेटिक मुँह से निकल जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद। इधर कौन ईमानी से काम करता है? ये भी बात सही है। आप अपनी बात करें ना। अभी हम सोचते हैं कि तो सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा। हाँ। बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा ये सोचते हैं। किस तरह? वो छोड़ो तुम, अभी तुमको सब बात थोड़ी बताएगा लेकिन एक बात पक्का है। क्या? क्या हम इधर एक सिनेमा खरीदेगा, एक होटल का दुकान और एक होटल खरीदेगा, चार पाई होटल। इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमको फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान का जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद बहुत पैसा है, अल्लाह का फजल है। आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, मैं कहूँ बुरा मान, बुरा मानने वाला बात होगा तो पक्का बात है बुरा मानेगा। पहले खान साहब हैं जिनको ये जो अगला आया कानून नया इंसाफ का, इससे डर लग रहा है। देखो हम 24 घंटा जो है वो दुआ मांगते हैं। अब तुम सोचो बगैर रात का दुआ मांगते हुए मैं कैसे लगेगा, कैसा दुआ मांगेगा? निज़ाम में अदल चले। मैं तो समझ रहा हूँ कि सवात के लोग जो हैं वहाँ सुकून से रह रहे हैं, सब कुछ बदल गया है, लड़कियों के स्कूल खुल गए हैं। लड़कियों का स्कूल तो मिट्टी का ढेर था, मेरा ख्याल है ढेर खुल गया होगा। अच्छा मेरी दुआ है कि आप खुश रहें। हाँ तुम भी खुश रहो, तुम दुनिया खुश रहे, हमारा तो शुरू से ही ख्याल है। हम तो ये बोलते हैं सब खुश रहो भाई, सब खुश रहो। ये बताओ तुमको DVD चाहिए? कौन सी है? मुल्क के हालात के बारे में, लेकिन उसमें 4-5 जो गैर मुल्क की औरत भी है। नहीं चाहिए, छोड़ो। अच्छा आपको तो म्यूजिक का भी शौक है, फिल्म का भी है, बिंजू बजाता है, बिंजू कोई चीज सुनाएंगे? पश्तो गीत या कोई चीज? गाया नहीं आता है, बिंजू बजाता है, उस पर धुन सुना सकते हैं। टंग टंग डिंग 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 क्या अच्छा सितार हो जाते हैं। ये सितार था? बिंजू 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 नहीं होता है उसको, क्या बोलते हैं? बेंजू। हाँ वही वही समझ में आ गया, लेकिन फिर भी पूछते हैं बिंजू बिंजू मरबा मिखे मरबा मिखे जो ये कह रहे हैं।
बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो थी। और अगर मेरे से पूछोगे कि लाइक मुझे सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था, तो वो ऑब्वियसली वही होगा जब बेसिकली मोइन अख्तर से पूछा गया कि लाइक आपका बाप क्या करता है, आपके बाप ने आपके पैदा होने के बाद क्या किया, तो वो कहता है कि मेरे बाप ने मेरे बाद पैदा होने के बाद और भाई बहन पैदा किए। तो लाइक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फनी पार्ट था। और उन्होंने उससे पूछा गया कि लाइक आपके कितने भाई बहन है, तो बोला 8 भाई बहन है ना, तो भी काफ़ी फनी था। और डीवीडी वाला पार्ट भी फनी था कि मेरे को पता है कि आप शो के बाहर ऐसे मुझसे डीवीडी मांगोगे, तो लाइक बहुत ही अच्छा था। और मोइन अख्तर लिटरली बहुत ही अच्छे एक कॉमेडियन थे, और जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना एक सेंसिबल कॉमेडी करते थे वो थे। और लाइक लिटरली हमें ऐसे कॉमेडियन मिलना बहुत ही मुश्किल है, लाइक कोई ऐसे गाली गलोचा नहीं करते हैं, तो लाइक अडल्ट बेसिकली अडल्ट लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। और सही में मैंने जैसा ये शो है लूज टॉक, मैंने आज तक ऐसा शो कभी भी नहीं देखा है, ये पहला ही शो है जो ऐसा सा है। और लिटरली मुझे तो ये शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके जितने हम एपिसोड्स देख रहे हैं मुझे और ज़्यादा अच्छा लूज टॉक से मुझे और ज़्यादा लूज टॉक अच्छी लगने लगी है। वही साथ में मोइन अख्तर जी जिस तरीके से वो पठान की एक्टिंग करते हैं वो सिमिलरली वैसा था, जैसे हमने बोला था कि लाइक वो थोड़ा एक एरोगेंस रहता है वो पठानियों के अंदर, और वही वो कह रहे थे कि लाइक तुम्हारा मेहमान नवाजी हमने देखा, हम तुम्हें दिखाएगा क्या होता है तुम्हारे यहाँ, तो उस तरीके से बात करो। और इतना मस्त उन्होंने एक्सेंट ले रखा था, और वो वैसे थे बहुत एकदम गुस्सा रहता है, और वो कहते कि तुम हमसे अगर छोटा होता तो हम तुम्हें बताता क्या करता है, और वो हर एक चीज़ में उनको कहता है, और वो तो आप भी नहीं होते तुझको कह रहे थे तुमको ऐसा ये कर देंगे तुमको वो कर देंगे, तो उनको पता था वो बड़े फिर भी मज़े से मार रहे थे। एंड साथ में ये था कि लाइक उनके वो सही में जो तुमने बताया वो फादर वाला जो बहुत फनी था, लाइक 8 बच्चे और लाइक इनके खुद के 8 बच्चे, फादर के तो कह रहे हैं जितना मेरे को गिनती आता है उससे 3-4 ज्यादा ही है। ओ भाई फादर यही काम करते हैं, पलंग पर पड़ रहते हैं, और ये और उनका जो डीवीडी होटल और इन सब का जो बिजनेस है उसी के अंदर वो पूरी इनकी चिटचैट, इनका ये बहुत सिस्टम बहुत अच्छा है, चिटचैट में करते हैं एंड उसको फनी बनाते रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट्स नहीं कुछ भी नहीं, एंड उसी के अंदर इतनी फनी फनी चीजें डालते रहते हैं। तो और भी आपको इनकी वीडियोस पता हो तो हमें कमेंट से जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।